Good morning everyone. Hope you all are fine. Today we are going to take math subject. In maths we will take lesson number 3, give and take. Last time हम लोगों ने किए थे sums, जिसमें आपको mind sums मैंने करवाए थे. अभी आज जो है ना वो carry over sums है, जो addition में last year हम लोगों ने already कर दिया है. जो 3-digit addition sums थे first standard में हम लोगों ने किया है single digit sums, जो ऐसा कुछ था 6+3, इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया. राइट, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो यहाँ पे 2-digit सम्स हो गए, और अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है तो हंड्रेड्स की वैल्यू में आ रहे हैं सम्स. ठीक है, इस तरीके से. तो ये हुआ, दिस इज फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड. सेकेंड स्टैंडर्ड का है तो 2-digit, थर्ड स्टैंडर्ड में अभी 3-digit के सम. ठीक है, अभी क्या करना है इसमें, ये है सिंपल सम्स, पर अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ना उसमें सारे के सारे कैरी ओवर सम्स है. जहां पे क्या होगा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके मैंने लिखा है 2, 8+2 कितना होता है, 8 इन योर माइंड, 2 ऑन योर फिंगर, 9 and 10, यहाँ पे क्या होगा 0, 1 10 है वो यहाँ पे हम कैरी ओवर कर रहे हैं. ओके, तो मैं उसको सर्कल करूंगी कि मैं उसको काउंट करना नहीं भूल जाऊं. ठीक है, अभी क्या करूंगी, 4+1 कितना होता है 5, एंड 6+3 इज इक्वल टू 6 इन योर माइंड, 3 ऑन योर फिंगर, 7, 8 and 9, तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगी 9, तो क्या होगा 950. राइट, ये हुई 100 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10s एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1s. ओके, ये हुआ सिंपल सम है. सेम सम आपको टेक्निक सेम है, उसको जो एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, वो हम देख लेते हैं कैसे किया है. क्या है यहाँ पे, देखिए, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल. ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल आउट फॉर हिज मदर एंड ओल्ड डियर टू पिटी ऑन हिम. देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू रीड अ होल स्टोरी. वहां पे जो सिंपल सम्स दिखा रहे हैं यहाँ पे वो मैं आपको बता रही हूँ. क्या करना है, एड करते जाना है. ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे कितने हैं डियर, 48. ठीक है, 48 डियर है. ओके, एंड रैबिट्स कितने हैं, 48 है डियर एंड रैबिट्स है 27. ओके, अभी हम लोगों ने लास्ट में फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था 10s एंड 1s, उसको करना है हमें डिवाइड. ठीक है, 10s की वैल्यू को और 1s एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेंगे, इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने किया है. 8 का सिंपल 8 आएगा, राइट, एंड 4 का क्या होगा 40, उसका एक्सपांडेड फॉर्म. यस, ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ. द सेम वे 27 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, 20+7. ओके, ये हो गया. अभी क्या करना है आपको, जब हम लोगों ने सेकेंड लेसन था नंबर्स अप टू नंबर्स फॉर फन विद नंबर्स वाला, उसमें क्या किया था, 4 है 40 है तो कितने 4 आएंगे, 10 के कितने बंच है 4, राइट. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने 40 को यहाँ पे किया है, अभी मैं उसको करूंगी, मैं उसको दिखा रही हूँ ऐसे, जैसे कि 10 यहाँ पे है, 10 के मैं 4 बंच बनाऊंगी क्योंकि 10 4 40. ओके, ये हो गया. प्लस सिंगल डिजिट कितने हैं, 8, तो मैं उसको जैसे हम लोगों ने किया था मनी वाला एंड वही सेम करना है. यहाँ पे 1, 2, 3,
5, 6, 7 and 8 ओके ये हम लोगों ने लर्न किया है. सेम चीज करनी है. अभी क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 है, मतलब 10 के कितने बंचेस होंगे, 2 ऑफ 10 एंड सिंगल कितने होंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ठीक है. सिंगल जैसे मैंने आपको बताया काउंट करना है तो कैसे बिट्स को काउंट करेंगे, तो 10 to 2 मतलब 20 हो गया एंड सिंगल 7 यहाँ पे हो गया. ओके ये हुआ. अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे काउंट करने जा रही हूँ. देखो ये सिंगल है उसको पहले काउंट कर ले. कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू काउंटिंग, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ओके 15 है मेरे पास टू डिजिट में आया. जो मैंने 1 को सिंगल डिजिट को ये काउंट किया तो मेरे पास आंसर आया 2 डिजिट में. इसका कैलकुलेशन मैं क्या करूंगी, जो वंस की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ एंड टेंस है उसको मैं टेंस की रो में ऊपर जाने दूंगी ठीक है. कैरी ओवर सब है. फिर अभी क्या करना है, जब भी आप ऐसे काउंट कर रहे हो ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैरी ओवर हुआ है उसके साथ हम फर्स्ट एड करेंगे 4 + 1 = 5, 5, 6 and 7 तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 75 मतलब टोटल कितने हैं एनिमल्स, दैट इज 45 डियर एंड 27 रैबिट, टोटल इज 75 ठीक है. ये एक हुआ. आपको ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए है. सिर्फ डिजिट्स लिखने हो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया उसी तरीके से आप कर सकते हो, अदरवाइज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज वहां पे हंड्रेड्स में है. देखिए क्या है वहां पे, सिमिलरली वी एड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्विरल्स. क्या किया है यहां, देखो मैं लिख रही हूं बर्ड्स ठीक है एंड स्क्विरल्स. ओके कितने हैं बर्ड्स, बर्ड्स का अकाउंट हो रहा है हंड्रेड्स में 124 ठीक है एंड स्क्विरल्स कितने हैं 38. अभी आपको इसको काउंट करना है. हंड्रेड जो नंबर है उसको हम जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे. हंड्रेड्स को ओवल में, 10 को स्क्वायर में एंड वंस की जो वैल्यू है उसको ट्राइंगल में ठीक है. ये हो गया. अभी क्या करेंगे, यहां पे क्या है पहले लिखेंगे एच टी ओ हंड्रेड्स टेंस एंड वंस. ओके ये कौन सी वैल्यू है हंड्रेड्स की, फाइन हंड्रेड्स में कितने हैं नंबर ऑफ 1 ओके यहाँ पे हंड्रेड्स में है 1. फिर टेंस में कितने हैं 2 एंड वंस में कितने हैं 4. हो गया, आपको समझ में आया टेंस, आपको 100 के कितने सर्कल्स बनाने हैं, टेंस के कितने बॉक्स बनाने हैं एंड वंस के कितने ट्राइंगल बनाने हैं. नाउ ओवर हियर अगर इसकी मैं वैल्यू काउंट कर रही हूँ, हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 ठीक है. ये उसका एक्सप्लेनेशन है कैसे करना है वो. तो हंड्रेड्स में क्या आएगा 0, टेंस में कितने हैं 3 मतलब हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे एंड वंस में कितना है 8 तो यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स बनेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग. क्या करना है, ओवल कितने हैं 1 तो मैं 100 यहाँ पे बता रही हूँ. टेंस कितने हैं 2 तो यहाँ पे 2 टेंस एंड वंस में कितने हैं 4 ट्राइंगल्स तो मुझे बनाने हैं 4 ट्राइंगल्स 1, 2, 3 एंड 4 ओके ये हो गया. नाउ यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 में कुछ भी है नहीं है
पेंस में कितने हैं? थ्री बॉक्स. हम लोग बॉक्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. वन टेन, टू टेन एंड थ्री टेन इज इक्वल टू 30. एंड एट सिंगल बॉन्स में कितने हैं? एट. तो हम क्या करेंगे? एट ट्राइंगल्स बनाएंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. ठीक है, ये हुए एट ट्राइंगल्स. नाउ वी विल स्टार्ट काउंटिंग. कैसे करना है अभी यहां पे मैं पहले आपको यहां से एक्सप्लेन कर रही हूं. वन काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व. ट्वेल्व है. आपको कितने डिजिट में मिला है? आंसर टू डिजिट में मिला. ठीक है, तो क्या करेंगे? जो वंस की वैल्यू है उसको वंस में लिखेंगे, टेंस है उसको कैरी ओवर करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया जो कैरी ओवर वाली जो डिजिट है उसके साथ मैं फर्स्ट ऐड करूंगी. तो टू के साथ वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स. थ्री इन योर माइंड, थ्री ऑन योर फिंगर, फोर फाइव एंड सिक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिक्स. यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए आई एम गोइंग टू राइट जीरो. वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन. ठीक है, सो आंसर विल बी 162. एक दो सम आप इस तरीके से करना पूरी टेक्निक के साथ. उसके बाद सिंपली हम सम्स करेंगे जैसे कैरी ओवर सम्स हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे वैसे ही. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आपको सम दिया गया है वहां पे नंबर ऑफ स्पैरो एंड स्पीडर एंड नंबर ऑफ रैबिट्स. देखो यहाँ पे ये सम्स हम लोगों ने कर दिए है. ठीक है, अभी क्या करना है आपको? वो जो दोनों है उसको आपको ऐड करना है. मुझे जो नंबर मिला है डियर बर्ड स्पीरल का जो है वो नंबर है 162. उसमें मैं ऐड करूंगी डियर एंड रैबिट को एंड दैट इज द नंबर ऑफ 75. हमने सॉल्व किया है अभी तो वो क्या आया है? 75. हम अभी उसको ऐड करेंगे. क्या करना है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्पैरो, सॉरी बर्ड है आपने, नंबर ऑफ बर्ड्स प्लस स्क्विरल्स, राइट? सो स्क्विरल्स, नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल्स एंड नंबर ऑफ डियर्स प्लस रैबिट्स. क्या है, कितने नंबर्स आए थे? स्पैरो एंड स्पीरल अभी हम लोगों ने किया. क्या नंबर आया था? दैट इज 162. एंड स्पैरो एंड डियर में आया था दैट वॉज 75. ठीक है, इसको यहां पे ऐड करना है, सेम करना है जो हम लोगों ने किया. यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस. ठीक है, अभी क्या करना है? हंड्रेड के लिए क्या था? ओवल. टेंस के लिए स्क्वायर एंड वंस के लिए है ट्रायंगल. ओके, चलो कितने हैं काउंट करते हैं. यहाँ पे कितने हैं हंड्रेड्स में? वन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन. टेंस में कितने हैं? सिक्स. यहाँ पे लिखेंगे सिक्स. एंड वंस में कितने हैं ट्रायंगल्स? दैट विल बी टू. नेक्स्ट डिजिट में है, हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो वी विल राइट इट डाउन जीरो. टेंस में कितने हैं? सेवन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेवन. एंड वंस में कितने हैं? फाइव. तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव. अभी आपको पता है क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ करेंगे. फाइन, क्या करना है यहाँ पे? देखो ओवल कितने हैं? 100, राइट? फिर 10, 6 है तो हम वहां पे करेंगे 110, 210, 310, 410, 510 एंड 610. ठीक है, और वंस कितने हैं? 2. तो ट्राइंगल्स बनाएंगे 2, 1 एंड 2. ये हो गया
नेक्स्ट वैल्यू में काउंट कर रहे हैं, हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। टेंस में कितने हैं? सेवन। तो हम सेवन टेन बॉक्स बनाएंगे। टेन के जो सेवन है, वन टेन, टू टेन, थ्री टेन, फोर टेन, फाइव टेन, सिक्स टेन एंड सेवन टेन। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टेन बना दिए हैं। वंस में कितने हैं? फाइव। तो फाइव ट्राइंगल्स करेंगे हम लोग यहाँ पे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके, अभी क्या करना है हमें? फर्स्ट हम काउंट करेंगे वंस की वैल्यू, ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं। कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। यहाँ पे क्या करेंगे? सेवन, सिक्स प्लस सेवन है, हम टेंस को काउंट कर देते हैं। अभी क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन। थर्टी टू है टेंस, तो यहाँ पे दो डिजिट में मिला है, मतलब हम सिर्फ वंस की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर जो टेंस में है उसको हम हंड्रेड्स में कैरी ओवर करेंगे। ठीक है, अभी वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो, आंसर विल बी 237। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट इज, वहां पे दिया हुआ है हाउ मेनी बल्ब्स, हाउ मेनी बल्ब्स क्या है उस उन्होंने काउंट किया। अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, ऑन सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स, हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टूगेदर। ऑल टूगेदर इट मीन्स आपको एडिशन करना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? ऑन द फर्स्ट डे कितने बल्ब्स बने थे? 270, नंबर ऑफ बल्ब्स आर 270। ऑन द डे टू सेकेंड डे हाउ मेनी वाज देयर? दैट इज 123। ठीक है, यहां पे ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस की साइन करेंगे। सेम वे मैं जा रही हूं लिखने एच टी ओ 100 टाइम्स एंड वंस, जो हम लोगों ने अभी किया वही करेंगे। हंड्रेड के लिए है ओवल, टेंस के लिए होगा स्क्वायर एंड वंस की वैल्यू के लिए है ट्राइंगल। ठीक है, काउंट करते हैं उसको सेम तरीके से। हंड्रेड पे कितने हैं? टू। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ नंबर डायरेक्टली, आई एम गोइंग टू काउंट। हंड्रेड पे कितने हैं? टू, तो मैं 200 के ड्रॉ करने जा रही हूँ। ठीक है, फिर टेंस में कितने हैं? सेवन, तो मैं सेवन टेन ड्रॉ करूंगी। ये हुआ वन टेन, टू टेन, थ्री टेन, फोर टेन, फाइव टेन, सिक्स टेन एंड सेवन टेन। ठीक है, ये हो गया। नाउ वंस में कुछ भी है नहीं है तो एक भी ट्राइंगल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? हंड्रेड में कितने हैं? वन, तो हंड्रेड का वन ओवर, देन टू इन अ टेंस तो स्क्वायर होंगे टू, वन टेन एंड टू टेन। ओके, ये हो गया। एंड हंड्रेड पे कितने हैं? थ्री नंबर्स, आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ, सॉरी राइट नहीं, राइट भी करना है ड्रॉ भी करना है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ थ्री ट्राइंगल्स। ओके, हो गया ये। अभी आपको काउंट करना है। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? वंस की वैल्यू से। क्या है वंस में? ट्राइंगल। कितने हैं? काउंट करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो वन टू एंड थ्री। थ्री है, टू डिजिट पे नहीं आ रहा तो मैं ऐसे ही लिखूंगी उसको, थ्री। सेवन प्लस टू, सेवन प्लस टू कितना हो रहा है? हम लोग टेन को काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। यहाँ पे भी टू डिजिट नहीं है, नाइन ऐसे ही लिखूंगी एंड टू प्लस वन
1, 2 and 3 कितने हैं हंड्रेड्स हुए 3, ठीक है, ये हो गया। जब भी हम 1 कैरी ओवर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं ऐसे 1 कैरी ओवर कर रही हूँ कोई भी सम में, तो अगर आप टेंस की वैल्यू में 1 कैरी ओवर कर रहे हो मतलब यू आर गिविंग 110, ठीक है। जैसे हम सबट्रैक्शन में बोरो करते हैं, इसमें 110 हम दे रहे हैं एडिशन में, अगर हंड्रेड्स में जा रहे हो, अगर मैं लिख रही हूँ 1 तो वो हुआ 100, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट सम में क्या है, अ शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स, कितनी कैंडल्स है 153, पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स, मतलब कोई भी शॉपकीपर होता है तो वो भी कहीं से तो परचेस करते हैं ना, तभी जाके उनकी शॉप पे वो रखते हैं सेल करने के लिए। क्या हो गया यहाँ पे, 153 कैंडल्स उनके पास थी, तो आई विल राइट इट डाउन, रफी कितनी है 153, ओके 153 कैंडल्स उनके पास है, और पारस गेम में मतलब क्या हुआ, गेम ही मतलब और ज्यादा ऐड होने जा रही है, यस, तो कितनी ऐड हो रही है वो देखते हैं, कितना दिया है उन्होंने 237, राइट, ये हुआ 237। यहाँ पे सेम वे हम लोग वैल्यूज काउंट करते हैं, इसको अच्छे से समझना है इसीलिए हर बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग कैरी ओवर पे सम करने वाले हैं। कितने हैं हंड्रेड्स में 1, सो 1 ओवर 5, 10 ड्रॉ करने हैं मुझे, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 110, 210, 310, 410 एंड 510, ठीक है, ये हो गया। वंस में कितने हैं 3 ट्राइंगल्स 1, 2 एंड 3, ओके हो गया ये। नाउ यहाँ पे सेकेंड लाइन है, उसमें कितने नंबर्स है, 100 में है 2, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 200, ओके दिस इज 100 एंड दिस इज सेकेंड 100 मीन्स 200। यहाँ पे कितने टाइम्स है 3 टाइम, उसको ड्रॉ करूंगी मैं 110, 210 एंड 310, कितने हैं वंस में 7, मुझे 7 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट, हो गया ये, ओके। अभी काउंट करते हैं कैसे करना है देख लेते हैं, पहले वो इसकी वैल्यू काउंट करेंगे, यस, क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है, कितने नंबर्स मिले हमें 10, वंस की वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगी 110 को मैं कैरी ओवर कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया इसको कैरी ओवर करना मतलब एक 10 को आप कैरी ओवर करो, मैंने यहाँ पे लिखूंगी 110 इज गोइंग टू कैरी ओवर, क्योंकि यहाँ पे जो बने ना यहाँ पे ये 10 हो गया, राइट, तो 10 को हम नीचे लिख नहीं सकते, तो 10 हो गया तो वो तो एक बॉक्स बन गया, हमने जो ट्राइंगल्स बनाया था उससे 10 काउंट हुए मतलब वो बॉक्स बन गया, ओके। यहाँ पे अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहा है तो एक ये 10 हुआ एंड दिस इज 0, ठीक है, इस तरीके से होगा, इसीलिए 10 हो रहा है, मैंने 1 कैरी ओवर किया, 5 प्लस 1, जैसे मैंने बताया आपको 1 का जो ऊपर मैं सर्कल बनाऊंगी उसको मैं पहले काउंट करूंगी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3, 6 इन योर माइंड, 3 ऑन योर फिंगर,
सेवन एट एंड नाइन, तो यहाँ पे आएगा नाइन, ठीक है, एंड वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एंड ओके सॉरी टू एंड थ्री, तो आंसर विल बी 390. अभी उनकी शॉप में कितने हैं, कितने बल्ब्स हैं, दैट इज 390, ओके कैंडल्स सॉरी बल्ब सही है, दिस आर द कैंडल्स, तो कितनी टोटल कैंडल्स है, 390 कैंडल्स, फाइन. अभी नेक्स्ट सम है क्या करना है वहां पे, देखो ए लिखा हुआ है अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल, अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129 पीपल, इन ऑल हाउ मेनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट. फर्स्ट कंपार्टमेंट में है कितने हैं, दो कंपार्टमेंट में है, ट्रेन है जो कंपार्टमेंट, इट मींस लाइक अ क्या बोलेंगे उसको, सबको पता है जैसे वहां पे लिखा हुआ होता है, पता है सबको, हाँ ये है D1 वहां पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा कंपार्टमेंट में आपको एसी कोच में जाना है ना, तो वैसे तो दो कंपार्टमेंट है वहां पे, हम यहाँ पे लिखेंगे A1 एंड A2, हम लोग एसी कोच में ही ट्रेवल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A1 और A2, मतलब कंपार्टमेंट का मैंने नेम यहाँ पे दिया, ठीक है. अभी क्या करना है, देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट A1 मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट, A2 मतलब सेकेंड कंपार्टमेंट, यहाँ पे कितने हैं, 132 पीपल इन वन कंपार्टमेंट, और सेकेंड कंपार्टमेंट में है 129, ठीक है, ओके. क्या करना है यहाँ पे, HTO सर्कल्स ओवल आएगा 100, स्क्वायर आएगा 10 की वैल्यू बताने के लिए, एंड ट्रायंगल विल कम फॉर 1 की वैल्यू बताने के लिए. कितने हैं 100, यहाँ पे 1 होल ड्रॉ करूंगी मैं, कितने टैंक्स है 3, तो यहाँ पे मैं 3 ड्रॉ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे कितने हैं वंस की वैल्यू में 2, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ओके. अभी क्या है, सेकेंड लाइन में है 129, तो 100 पे कितने हैं 1, वहां पे 100, यहाँ पर टेंस में कितने हैं 2, तो मैं 2 टाइम ड्रॉ करूंगी, एंड वंस में कितने हैं 9, तो 9 ट्रायंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ओके हो गया ये. अभी काउंट करना है, फर्स्ट काउंट करेंगे वंस की वैल्यू को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, ओके. कितने डिजिट में आया, 2 डिजिट में वंस की वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगी, 1 टाइम को कैरी ओवर कर रही हूँ, 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 5 and 6, यहाँ पे मैं लिखूंगी 6, 1 plus 1 कितना होता है 2, तो आंसर विल बी 261 पीपल आर ट्रेवलिंग, दो कंपार्टमेंट का मिला के, ठीक है. अभी है थर्ड में है, सोनू फाउंड 138 पीपल्स, करीन फाउंड 44 पीपल्स, हाउ मैनी पीपल्स डिड दे फाइंड इन ऑल, क्या करना है यहाँ पे, देखो ये बी सम आपका जो मैंने अभी आपको बताया, वो अभी जो ये वैल्यू है ना उसको मैं आपको नहीं करना है, पर उसको मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ कि वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं जो कैरी ओवर के सम है ना उसी तरीके से. कितना है सोनू एंड करी,
कितना है सोनू के पास 138 एंड करीम के पास है 44. ओके डायरेक्टली काउंट कर रहे हैं अभी, उसके लिए हम लोग हंड्रेड टेंस वंस उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं, इस बार डायरेक्टली बता रही हूँ कैसे करना है. 8 + 4 18 × 4 ऑन योर फिंगर, 9, 10, 11 and 12 यहाँ पे आएंगी मैं. यहाँ पे लिखना है 2 क्योंकि दो डिजिट में मिला है, वंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूंगी. 1 को कैरी ओवर कर रही हूँ. 3 + 1 4 4 + 4 5 6 7 and 8 यहाँ पे आएगा 8. यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए आएगा 0 एंड 1 + 0 = 1. सो कितना है टोटल, दैट इज 182. इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं. उसके लिए हर पार्ट ड्रॉ करके कट करो काउंट करो, उतनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ये तरीके से भी आप कर सकते हो, पर जितना टेक्स्ट बुक का है कंप्लीटली आपको इस तरीके से ही करना है जैसे ड्रॉ करके बताया था उस तरीके से ही. मैंने जो वर्कशीट में एक्सरसाइज दी है वो आपको करना है डायरेक्टली, ठीक है. वहां पे है सी में है, देखिए क्या है वहां पे, ये एक सम अच्छे से लर्न कर लो कैसे करना है. मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूं फर्स्ट, ठीक है. ये मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्या करना है वहां पे, अ टीचर कैप और नॉट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल, दिस इज व्हाट शी फाउंड. क्या करना है अभी देखो, यहां पे मैं कर रही हूं आपको स्लीपिंग लाइन में भी करना है और स्टैंडिंग लाइन में भी उसकी काउंटिंग करनी है, पर दोनों के नंबर्स कॉलम्स आपको सेम मिलेंगे. देखते हैं चलो क्या करना है. यहां पे देखो फर्स्ट में लिखा है गर्ल्स, जो ऑरेंज से है, ऑरेंज ब्लॉक में लिखा हुआ है ऑरेंज ब्लॉक का, फाइन. उसको मैं स्टैंडिंग लाइन में पहले काउंट करती हूँ. 136 इन अ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 128, फाइन. ओके क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इसको काउंट करेंगे 110 and 1. पहले मैं सारे वैल्यूज लिख लेती हूँ उसके बाद हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. देन ग्रीन विद द मैंगो, मैंगो क्या है वहां पे, गर्ल्स के पास कितनी है, गर्ल्स के पास एंड दिस इज विद द बॉयज, कितनी है बॉयज के पास 243. ओके ये हो गया. यहां पे है ब्लू कलर के बॉक्स में, दैट इज टोटल, फाइन. श्योर अभी इसको काउंट करते हैं टोटल में. यहां पे दोनों आपको काउंट करना है, वहां पे भी टोटल लिखा है और यहां पे भी एक ब्लॉक है जिसमें आपको टोटल लिखा होगा. आपको स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन दोनों काउंट करनी है. ये हुआ मैंने स्टैंडिंग लाइन का काउंट किया है यहाँ पे, अभी मैं स्लीपिंग लाइन का भी काउंट करूंगी जो वैल्यूज मुझे लिखनी है यहाँ पे, ठीक है. पहले मैं स्टैंडिंग लाइन की काउंटिंग करके बता रही हूँ आपको. ये जो है ना इन दोनों का मैं टोटल, मतलब स्टैंडिंग लाइन का, फाइन. चलो यहाँ पे है क्या करना है, यहाँ पे 136 + 128 को टोटल कर रही हूँ. क्या मिलेगा मुझे फर्स्ट ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में, वहां पे टोटल. यहाँ पे भी ऐसे ही है टोटल, मतलब आपको ये स्लीपिंग लाइन वाला करना है 1, 2 और यहाँ पे ये दैट इज द ब्रैकेट फॉर होल टोटल, कितना हो रहा है उसके लिए. चलो काउंट करते हैं 6 + 8 कितना होगा, पहले 6 इन योर माइंड 8 ऑन योर फिंगर काउंट करना स्टार्ट करते हैं.
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी नाइन फोर्टी. क्या आएगा यहाँ पे? फोर वन, क्योंकि दो डिजिट में है तो मैं वन सी वाली को यहाँ पे लिख रही हूँ. वन विल गो कैरी ओवर, यहाँ पे वन कैरी ओवर. थ्री थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस टू फाइव एंड सिक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? सिक्स. वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे क्या है? मैंगोस कितनी है? 240 एंड 243. गर्ल्स का काउंट है 240, बॉयज का काउंट है 243. क्या करेंगे? वंस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं. जीरो प्लस थ्री थ्री, फोर प्लस फोर कितना होता है? एट. यस. एंड टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर. कितना हुआ टोटल? दैट इज 264 प्लस 283. 483. यहाँ पे उसका टोटल करना है. ठीक है, और वो लास्ट में मैं लिखूंगी वो डिजिट में. यहाँ पे जो ब्लॉक दिया है ना आपका, कुछ ऐसा है ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक मैं बता रही हूँ आपको. यहाँ पे है गर्ल्स, यहाँ पे है बॉयज, यहाँ पे है टोटल. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ऑरेंज, मैंगो एंड यहाँ पे है टोटल. फाइन, यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक पे था 136, यहाँ पे है 128, मैंगोज में है 240, यहाँ पे है 243. ठीक है, मैंने ये दोनों वैल्यू को काउंट कर लिया है. ये जो स्टैंडिंग लाइन वाली वैल्यू है ना उसको मैंने काउंट कर लिया है. क्या नंबर मिला है मुझे? दैट इज 264 यहाँ पे, एंड मैंगोस का काउंटिंग मिला है मुझे 483. ठीक है, अभी क्या करूंगी? मैंने ये दोनों को बॉक्स को फिल कर दिया है. ठीक है, अभी क्या करूंगी मैं? ये जो दोनों टोटल है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी. कितना हो रहा है देखते हैं. टोटल में, टोटल अभी क्या करना है? ऑरेंजेस कितने हैं टोटल? 264 एंड मैंगोस कितने हैं? दैट इज 483. ठीक है, स्टैंडिंग लाइन की जो वैल्यू है ना इसको मैंने काउंट किया. ये जो दोनों वैल्यू मिली है मैं उसको प्लस करके यहाँ पे लिखूंगी. कितना हो रहा है? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे 7, 8 प्लस 6 अभी किया है काउंट, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. तो क्या आएगा यहाँ पे? 14. अब 4 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 747. ठीक है, ये हुआ इसका काउंट. अभी हम स्लिपिंग लाइन में काउंट करने जा रहे हैं. अभी क्या काउंट करना है? ये तो हुआ ऑरेंज एंड मैंगो की वैल्यू काउंट की. अभी क्या करना है आपको? गर्ल्स का टोटल काउंटिंग कितना है ना वो काउंट करना है. क्या करोगी? यहां पे मैंने ऑरेंज लिखा था, अभी मैं लिख रही हूं गर्ल्स. उसमें ऑरेंज में कितने हैं? दैट इज 136 एंड मैंगोस में कितने हैं गर्ल्स? दैट इज 240. मैं उसको ऐड कर रही हूं. ठीक है, सेम वे बॉयज का काउंटिंग करेंगे हम. बॉयज की काउंटिंग में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑरेंज के लिए दैट इज 128 एंड मैंगोस के लिए है दैट इज 243. ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 6 प्लस 0 सबको पता है 6, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. ओके, यहां पे क्या होगा? 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 1 ईयर 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू
सेवन, यहाँ पे सेवन, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे क्या आंसर आया आपके पास 340, मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ 136 प्लस 240, गर्ल्स की काउंटिंग की तो वहां पे आ रहा है 376 एंड बॉयज की काउंटिंग की है तो मुझे मिला है 371। अभी क्या करूंगी मैं इसको, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही काउंट हो सकता है, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आपका ये जो आंसर है वो सही है, पर हम लोग फिर भी काउंट करेंगे उसको, ऐसे ही नहीं काउंट करना है। क्या करना है मुझे जो वैल्यूज मिली है 376 प्लस 371, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आपका जो, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो या ऐसे काउंट कर रहे हो, आपका जो टोटल है दैट विल बी द सेम। ठीक है, ओके, ये चीज आपको करनी है अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में अगर बाकी है फिल करना तो टेक्स्ट बुक में भी आप सम्स कर सकते हो। प्लस मैंने आपको एक वर्कशीट दी है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करना है अपनी नोटबुक में, ऑलमोस्ट 25 जितने सम्स है सेम वे करना है आपको डायरेक्टली, नो सर्कल्स, नो ट्रायंगल, नो स्क्वायर्स ड्रॉ, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली इसी तरीके से कैरी ओवर के सम्स करने हैं, थ्री डिजिट के हैं। ठीक है, उसमें शायद बहुत सारे सम्स होंगे जो सिंपल सम्स भी होंगे और कैरी ओवर के भी होंगे, तो वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ।